हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड से लेकर इस कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल सब चीज समझते हुए नजर आएंगे। आज लगभग ये शेयर 6.5% ऊपर था, ठीक है, अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया। तो वो सारी की सारी गणित समझते हुए नजर आएंगे कि कैसे ये शेयर यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो सब चीज हम यहाँ जानेंगे। क्या यहाँ पर ये कंपनी के बारे में है, वो सब चीज ए टू जी हम जानते हुए नजर आएंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस तरीके की वीडियो मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे फोकस करना हो, सीखने के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारी वीडियोज है आपके लिए, जाके एक एक करके वीडियोज देखिए। वीडियोज देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इसके अलावा आप अगर सीरियस है स्टॉक मार्केट में और काम करना चाहते हैं और साथ में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, शेयर क्यों भागता है, कब भागता है, कैसे भागता है, किस लिए भागता है, वो सब चीज आपको यहाँ पर समझ में आती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर जानते हुए नजर आएंगे और उसी तरीके से यहाँ पर हम काम करते हुए भी नजर आते हैं। 25,000 रुपये का कोर्स है, 3 मंथ्स के हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जाता हुआ नजर आता है। तो आगे बढ़ते हैं और इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो, 8860540501, 8169261037, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बंसल वायर इंडस्ट्री से लेके। यहाँ पर देखिए 1985 दिसंबर में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इज अ स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पर आप देखेंगे बंसल वायर इंडस्ट्रीज द लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग है, द सेकंड लार्जेस्ट स्टील वायर मैन्युफैक्चरर बाय वॉल्यूम इन इंडिया, है ना। तो अच्छा खासे कंपनी का नाम आता हुआ दिखाई देता है, वो भी सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट में आता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर सब चीज ठीक ठाक दिखाई देती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमने पिछले काफी 1-1.5 साल में काफी सारी वायर से रिलेटेड हम कंपनी से रिलेटेड हमने बातें करी है। इनके पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पोर्टफोलियो में अलग अलग तरीके, स्टेनलेस स्टील वायर, मिड स्टील वायर, है ना, हाई कार्बन स्टील वायर, प्रोफाइल शेप वायर, एल्यूमिनियम गैल्वेनाइज्ड, एज वेल एज केबल, आर्मोरिंग वायर एंड स्ट्रिप्स, तो अलग अलग तरीके का सेगमेंट है। जाके इनके बारे में पढ़ लीजिए, है ना, आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी कि ये जो वायर्स है ये किस काम आती हुई नजर आती है, ये जो प्रोडक्ट्स है वो किस काम आते हुए नजर आते हैं। पूरा का पूरा आपको एक आइडिया नजर आता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। स्पेशल इनके प्रोडक्ट्स को देखना तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बंसल वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 6800 6869 करोड़ रुपीज की कंपनी है, तो 7,000 करोड़ से नीचे ही कंपनी है, एज वेल एज ये स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज याद रखिएगा, हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, तो इसलिए आप चाहो तो हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि वीडियोस आपको मिलते रहे, छोटे छोटे शेयर से रेटिंग पता चलता रहे। इसके अलावा जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो देखिए जब शेयर भागते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं कि कैसे यहाँ पर कुछ दिनों में शेयर कहाँ से कहाँ पहुंच गया और अभी ये शेयर अभी नया है, बट जब ये गिरते हैं ना तो उसी तरीके 50-60-70% रिटर्न आपसे छीन भी लेते हैं। तो सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना और सही टाइम पे वहां से निकल जाना ये आर्ट है ना, ये आपको सीखना होगा। और सीखने के लिए क्या है, हम अपने कोर्स में सिखाते हैं कि कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, शेयर क्यों भागते हैं, क्यों गिरते हैं, वो सब चीज आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा स्टॉक पीई की बात करें 104 का पीई है, इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 26 का है। तो आप यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा महंगा नजर आता है, बट स्टिल काफी लोग पीई के बेस पे काम करते हैं, उनके लिए ये चीजें अलग होगी, बट जब रियल मार्केट में आते हैं ना तो आपको पता चलेगी 104 क्या चीजें 204 205 तक भी चलती रहती है, ठीक है। बट पी के बेस पे काम नहीं करता, बट पी को इग्नोर भी नहीं करना। आरओसी आरओई की बात करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 23% की आरओई है, तो काफी अच्छा यहाँ पर नजर आता है। डेट की बात करें तो 149% का डेट है, तो डेट यहाँ पर ज्यादा है, इस चीज को आपको क्या करना है ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेजिंग की बात करें तो कोई भी यहाँ पर प्लेस है नहीं, ठीक है। 444 का आज ही यहाँ पर हाई लगता हुआ नजर आया, 5 की 5 की यहाँ पर फेस वैल्यू है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शेयर है, ठीक है, अभी ज्यादा टाइम इसे हुआ नहीं है, जुलाई में ही आता हुआ नजर आया, उसका कंसोलिडेशन का निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जैसे कि शेयर अभी ही लिस्ट हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा हिस्ट्री है नहीं, बट स्टिल जो भी हिस्ट्री आप यहाँ पर देखेंगे ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो सेल्स है वो बढ़ रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये शेयर यहाँ पर ठीक नजर आता है। सेल्स की बात करें कंपनी की सेल्स ईयरली बेस पे यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये भी पॉजिटिव फैक्टर है।
नेट प्रॉफिट की बात करें 68 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट है, ये अच्छी खासी यहाँ पर नजर आता है। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर 2023 में लगभग 273% करोड़ का रिजर्व था। इसके अगेंस्ट में बोरिंग की बात करें तो 422 करोड़ की बोरिंग है, तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे 149% का यहाँ पर डेट यहाँ पर नजर आ रहा था। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर तो लास्ट ईयर 38 करोड़ रुपीज यहाँ पर उस वर्किंग प्रोग्रेस में लगा रखे थे, बट अभी यहाँ पर ये डाटा डेटा जब यहाँ पर अवेलेबल होगा तो और ज्यादा यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर्स का 77.97% है, FIIs भी है, DIIs भी है, पब्लिक के पास 13% के शेयर यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, 13 में ही फेयर वैल्यू ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में 3.44% की होल्डिंग दे रखी है, तो लगभग 9.9 समथिंग यहाँ पर नजर आते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो कोटक ने यहाँ पर बेच दिया, इन्वेस्को ने यहाँ पर बेच दिया, HSBC ने यहाँ पर बेचते हुए नजर आए। थोड़ा सा आगे बढ़ते, बेच दिया या फिर 1% से कम कर लिया, वो दोनों में से हो सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पर आइडिया नहीं रहता, तो इस चीज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 जुलाई को यहाँ पर खरीदा भी गया था, कोटक महिंद्रा बैंक ने खुद यहाँ पर 350 के भाव से अच्छे खासे शेयर खरीदे थे। GRT स्ट्रेटेजी वेंचर ने यहाँ पर ट्रेडिंग करी है, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो बड़ी जो कंपनी है ना, जो फंड्स है वो यहाँ पर इंटरेस्टेड नजर आते हैं, उस चीज को हमें इग्नोर नहीं करना है। तो ये सारी की सारी बात इस कंपनी के बारे में होगी, ज्यादा हिस्ट्री यहाँ पर है नहीं, तो ज्यादा हम यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर अभी बात नहीं कर सकते। बट हाँ, फॉर टाइम बीइंग जब ये एक पीरियड गुजर जाएगा तब यहाँ पर इसमें हिस्ट्री भी होगी, तब और ज्यादा यहाँ पर पता चलता हुआ नजर आएगा। अब इसका चार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि चार्ट बहुत कुछ कहता हुआ नजर आता है, बट बिफोर द चार्ट में आगे बढ़े और जाने, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए वीडियोज देखनी है, हमारा कोर्स है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, नंबरों को नोट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, साथ में काम करना है तो भी यहाँ पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ शेयर ने आज अच्छी खासी छलांग लगाती हुई नजर आई। अभी क्या नजर आता है, अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि एक आध दिन और ज्यादा यहाँ पर तेजी हो सकती है, और शायद ये शेयर 470-480 के आसपास भी जा सकता है। तो क्या ऐसे तेजी में यहाँ पर पकड़ना चाहिए, तो मुझे लगता है अगर आप पकड़ रहे हो तो अपने सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की हेल्प लेके ही यहाँ पर करिएगा। दूसरी बात, जब आप यहाँ पर ऐसी शेयरों में कोशिश कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट को मत भूलिएगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है अपने कोर्स में यहाँ पर सिखाते हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। कितना स्टॉप लॉस बनता है, जहां पर भी एंट्री करो 2-3-4-5% का नीचे स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर अच्छे स्टॉप लॉस की बात करूं तो लगभग 412 के आसपास, 412 से नीचे आता है तो चुपचाप चीजों को यहाँ पर बेच के निकल जाना है। क्यों? क्योंकि जब ये स्मॉल कैप शेयर चलते है ना तो अच्छा नजर आते हैं, बट जब गिरते है ना तो उसके ज्यादा बुरे और कोई शेयर होते भी नहीं है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। सही टाइम पे इन्वेस्टिंग, सही टाइम पे यहाँ पर आपको वो सब चीज करनी है ताकि आपके पैसे बनते हुए नजर आए। तो ऐसे ही शेयर में आज हमने एक इन्वेस्ट किया था जिसमें 6-7% ऑलरेडी भाग चुका है और अच्छी पोटेंशियल है, वो उससे रिलेटेड हमारे रिटर्न बन जाएंगे तब मैं यहाँ पर वीडियो लाऊंगा। ठीक है, बट उससे पहले बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे साथ काम कर सकते हो, तब आपको अच्छे शेयर पहले ही टाइम पे समझ में आते हुए नजर आएंगे, मिलते हुए नजर आएंगे, ताकि आप वहां पर इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा यहाँ पर बना सको। बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी आपको करनी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।